कितनी एमओ वेस्ट करनी पड़ी देखिए। वेलकम बैक टू आर चैनल गाइस, मैं हूँ ब्रिजेश और आप देख रहे हैं टेकन रू टीवी। और आज मैं पबजी लाइट का एक गेम प्ले टेस्ट करने वाला हूँ, तो यहाँ से मैं पबजी लाइट करता हूँ स्टार्ट। और इंडिया में मोस्टली जो फ़ोन परचेस करते हैं उनका जो बजट रहता है अराउंड 10 से 15,000 रुपीज़ के अंदर ही रहता है, और उसके अंदर आपको एक अच्छा प्रोसेसर वाला फ़ोन मिलना मुश्किल है। और MI के एक दो फ़ोन है जिसका प्रोसेसर अच्छा है ये प्राइस रेंज में, बाकी जो आपके दूसरी कंपनी से फ़ोन आते हैं उसमें आपको इतना अच्छा प्रोसेसर नहीं मिलता है, जैसे कि सैमसंग वगैरह भी है। तो इसके अंदर आपको एक गेमिंग वाला प्रोसेसर मिलना मुश्किल है ये प्राइस रेंज में। तो इसके लिए और काफ़ी लोग के फ़ोन में जो पबजी है वो प्ले करते हैं बहुत ही ज़्यादा लैग होता है, तो उसमें काफ़ी लोग को दिक्कत आती है, आपको फ्रेम ड्रॉप या फिर ऐसा ग्लिच वगैरह देखने मिलते हैं ज़्यादा मिलते हैं। तो इसके लिए पबजी ने अपना एक लाइट वर्जन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है, और इसका जो है मेन इसका जो फोकस है वो ग्राफिक को रिड्यूस करना है और आपके जो गेम प्ले है उसको स्मूथ करना है। और बात करते हैं इसके इंटरफेस वगैरह की, तो इसका जो इंटरफेस आपका एक नॉर्मल जो अपना पबजी है नॉर्मल उसके जैसा ही है। यहाँ पर आपको सीजन इन्वेंट्री या फिर आपको RP शॉप क्रेट वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसके अंदर आपको क्लासिक में इरेंगल और एरकेड में आपको मिलता है वॉर जो कि लेवल 10 पे अनलॉक होगा। और इसके अंदर आप अपने फ्रेंड को भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको सिंगल खेलना है, डुओ खेलना है, फिर आपको स्क्वाड में खेलना है। तो मैं चलिए एक मैच प्ले करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ एक इरेंगल मैच। इसका जो इंटरफेस है बहुत ही स्मूथ है ये देखिए, और इसके अंदर आपको कोई ऐसा ग्लिच वगैरह फिर कोई लैग वगैरह नहीं मिल रहा है मुझे अभी तक, तो नहीं मिला। मैंने इसमें 2-4 गेम खेले भी है बट मुझे इसमें कोई लैग वगैरह नहीं मिला है। और मेरे पास जो भी फ़ोन है वो सैमसंग गैलेक्सी A20 है, तो इसमें मैंने एक अपना नॉर्मल पबजी का वीडियो भी बनाया है, तो अगर आपको देखना है तो आई बटन में रहेगा, आप जाके वहाँ से उसको देख सकते हैं। और इसके अनबॉक्सिंग वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, यहाँ पर आई बटन आपको लिंक मिल जाएगा। तो मैं ऐसे माइक को करता हूँ टीम पे, ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि पबजी ने अपना एक लाइट वर्जन बनाया जो कि फ़ोन जो कैपेबल नहीं है आप वो भी अपने फ़ोन में एक पबजी अच्छे से बहुत ही अच्छे से खेल सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसके अंदर आपको 60 प्लेयर का मैच मिलता है, यहाँ पर देखिए आपको 60 प्लेयर का मैच मिलता है। तो अभी मैं जाके पहले गन लेता हूँ, ये देखिए मेरे पीछे यहाँ पर एक बंदा है तो मैं भी इसको किल करता हूँ, ये देखिए, ये देखिए। तो इसके अंदर आपको बॉट है बहुत ज़्यादा मिलने वाले खेलने में, मतलब इसके अंदर आपको एक रियल प्लेयर बहुत ही कम मिलने वाला है। और अभी ये रिसेंटली रिलीज़ हुआ है तो काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है कि पबजी से एक लाइट वर्जन भी है। जब इसका प्लेयर बेस ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि इसके अंदर प्लेयर ज़्यादा हो जाएगा पबजी में, तो इसमें आपको बॉट कम मिलेंगे और आपको एक नॉर्मल जो रियल प्लेयर है आपको ज़्यादा मिलेंगे, तो अच्छी बात है। और बात करें इसे ग्राफिक वगैरह की, तो मैं सेटिंग में आके इसके आपको थोड़ी सेटिंग वगैरह दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं गया सेटिंग में, और देखिए आपको यहाँ पर ग्राफिक कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, ये देखिए। तो इसके अंदर वो ग्राफिक कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता, आपको एक डिफ़ॉल्ट जो ग्राफिक रहेगा जो आपका सिस्टम एक पबजी ऑटोमेटिक डिसाइड करता है कि आपके फ़ोन में कैसा ग्राफिक चाहिए, तो वही है। तो इसके अंदर आपको एक आप इसका जो ग्राफिक को आप खुद एडजस्ट नहीं कर सकते, और इसके अंदर आपको एक पहले से ही प्री डिसाइड आपको एक ग्राफिक मिलता है, आपको उसमें ही खेलना पड़ता है। ये देखिए एक बॉल प्लेयर था और मुझे कितनी एमओ वेस्ट करनी पड़ी देखिए। तो बस यही छोटा सा वीडियो था, और मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे कंटेंट फ्यूचर में देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड।